एनटीएससी कलर टेलीविजन सिस्टम, एनटीएससी जो कि नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी को शो करेगा। ये कंपेटेबल होता है अमेरिकन की सिस्टम के लिए, यानी कि 252 लाइंस मोनोक्रोम सिस्टम के लिए वहां पे इसे यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बैंडविड्थ को थोड़ी सेव कर लिया जाता है। इसकी एडवांटेज ये होती है कि जो आईज रेजोल्यूशन होगा कलर का, जो आईज रेजोल्यूशन होगा, जैसे कि पहले ये देख लेते हैं कि जब हम पहले हमने टॉपिक्स में बात कर रहे थे कलर की, तो उसमें हम रेड माइनस वाई और माइनस रेड माइनस वाई, बी माइनस वाई माइनस रेड बी माइनस वाई, और ग्रीन और ब्लू येलो कलर्स को लेते थे। लेकिन इसमें क्या है कि दो अलग सिग्नल्स को लिया जाता है। क्या होगा देखिए, ये तो 0 डिग्री जो कि ब्रस्ट सिग्नल से शो करता है, जो सिंक पल्सिस के बाद नियर अबाउट 8 to 10 पल्सिस होते हैं उसे ब्रस्ट सिग्नल कहते हैं। और एनटीएससी कलर सिस्टम में दो नए कलर वीडियो सिग्नल ऐड होते हैं जिसे आई और क्यू से डिनोट किया जाता है। आई ये एससी जो कि सब कैरियर क्रोमैन सिग्नल को शो करेगा, क्यू एससी ये भी सब कैरियर को, ये आई और क्यू दो नए कलर वीडियो सिग्नल से डिनोट किया जाता है। जो आई सिग्नल होगा, देखिए आई और क्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है, और आई और ब्रस्ट इसके बीच में जो एंगल है वो 57 डिग्री का होगा। और ब्रस्ट से 0 डिग्री से क्यू एस सी का जो डिफरेंस होगा वो 147 डिग्री का होगा। और इसके अलावा क्यू एस सी से ये यहाँ ये वाला जो डिफरेंस होगा वो 33 डिग्री का होगा। इसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे कि हम करते हैं कि बी माइनस वाई और आर माइनस वाई दो सिग्नल्स को सेंड किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन जी माइनस वाई को डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर सकते। वाई ल्यूमिनेंस को शो करता है यानी ब्राइटनेस को शो करता है, वाई सिंबल, बी ब्लू को, रेड रेड को, आर रेड को। अब देखिए कि इसमें जो दो नए कलर वीडियो सिग्नल होंगे और उनको डिनोट किया गया है आई और क्यू से, एक तो आई जो कि पॉजिटिव प्लस आई और नेगेटिव में आई को शो किया गया है, और दूसरा है क्यू, क्यू सिग्नल जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से शो किया गया है। सबसे पहले जो क्यू सिग्नल होगा और जो आई सिग्नल है इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के एंगल पे होंगे ये दोनों। इसके अलावा जो क्यू सिग्नल है वो लाइक करेगा बी माइनस वाई से काउंटर क्लॉक वाइज 33 डिग्री पे। यहां पे सेम इसी तरह से आई जो सिग्नल होगा वो भी आर माइनस वाई से काउंटर क्लॉक वाइज 33 डिग्री एंगल पे होगा, यानी आई और क्यू दोनों काउंटर क्लॉक वाइज आर माइनस वाई और बी माइनस वाई से 33 डिग्री के एंगल पे होते हैं। और इसमें जो आई सिग्नल होगा उसका मैक्सिमम कलर रेजोल्यूशन होता है। इसके अलावा ब्रस्ट सिग्नल से आई तक का सिग्नल जो कि 57 डिग्री के एंगल पे होगा, इसके अलावा बी माइनस बी 0 डिग्री से क्यू प्लस क्यू तक का ये 147 डिग्री पे होगा, और माइनस आई 0 से जो कि ब्रस्ट से 237 डिग्री पे होगा, और माइनस क्यू ये भी 0 डिग्री से 327 डिग्री पे होगा। इसको ड्राइव किया जाता है I इज इक्वल टू 0.60R माइनस 0.28G माइनस 0.32B, ये कॉमन है, ये 0.60 ही इसकी वैल्यू रहेगी, ग्रीन की 0.28 ही रहेगी और B की 0.32 ही रहेगी, ये I के लिए। इसको ड्राइव ऐसे भी किया जाता है I इज इक्वल टू 0.74 R माइनस वाई माइनस 0.27 B माइनस वाई से। नेक्स्ट Q के लिए, Q जिसको डिनोट किया जाता है 0.21 R माइनस 0.52 G प्लस 0.31 B से। ये Q की मैट्रिक्स है जो कलर सिग्नल सुटेबल मैट्रिक्स है, और ये भी Q भी क्या है, लोकेटेड है एंटी क्लॉकवाइज B माइनस वाई से 33 डिग्री पे, ये इसका एंगल है। अब देखिए ये जो Q है, ये वाली लाइन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो रीजन होता है ये कवर करता है मेजेंटा से रिलेटेड कलर्स को, यानी रेडिश ब्लू को और येलोइश ग्रीन शेड को, यहाँ पे रेडिश ब्लू और येलोइश ग्रीन शेड को। और जो ऑरेंज ह्यू होता है वो इस पे होगा आई पे,
आई के सिग्नल के थ्रू, ये वो कलर आई के थ्रू आई सिग्नल पे शो किए जाएंगे, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू ग्रीन यानी सियान ह्यू लोकेशन को भी शो करेंगे यहाँ पे माइनस आई पे। अब देखिए जो आई सिग्नल है, प्लस आई और माइनस, जो ये वाला सिग्नल होगा आई सिग्नल, वो फ्रीक्वेंसी जो 1.5 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को शो करता है यानी अलाउड करता है, और जो आईज है वो लीस्ट सेंसिटिव होती है उन कलर्स के लिए जो कि अलाउ की जाती है क्यू में, प्लस माइनस क्यू सिग्नल्स के लिए, और जो क्यू है वो अलाउ करेगा बैंडविड्थ 0.5 मेगाहर्ट्ज को, जबकि आई शो करता है 1.5 मेगाहर्ट्ज को। इसमें देखिए क्या होता है कि जो आई और क्यू सिग्नल होते हैं वो दोनों ही 0.5 मेगाहर्ट्ज पे एक्टिव हो जाते हैं अपने पर्टिकुलर एंगल पे एक दूसरे के, यानी जो इनका पर्टिकुलर एंगल है उस पे, और क्रोमिनेंट सिग्नल के सभी कलर्स को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जो क्यू सिग्नल है वो 0.5 मेगाहर्ट्ज से के, जब 0.5 मेगाहर्ट्ज पे आता है तो उसके बाद ड्रॉप हो जाता है, लेकिन आई सिग्नल ड्रॉप नहीं होता, वो 0.5 से लेके 1.5 मेगाहर्ट्ज तक बना रहता है और कलर को प्रोड्यूस करता है, एक फाइन डिटेल देता है जिसे हमारी आईज इजिली प्रिजर्व कर सकती हैं, इजिली उसे देख सकती हैं। जो क्यू सिग्नल होगा वो उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कलर प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि दो कलर्स का मिक्सचर हम इसमें कर सकते हैं अगर एक को हम एलिमिनेट कर दें, ठीक है ना, यानी कि हम रिकॉल कर सकते हैं एक कलर डिफरेंस सिग्नल को, दो कलर को मिक्स करके एक कलर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो क्यू सिग्नल होगा वो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इतना नेसेसरी नहीं होती है उसकी कलर को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि रेड और ग्रीन, जो कि ऑरेंज कलर और सियान कलर के लिए। अगर क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो आई सिग्नल एक्टिव रहेगा, क्यू अगर जीरो हो जाता है तो आई सिग्नल तब भी एक्टिव रहता है और कलर को प्रोड्यूस करता है स्क्रीन पे, और जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं यानी रेडिश ऑरेंज ब्लूइश ग्रीन इन कलर्स को भी वो शो करता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।